जैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रो वीडियो बनाना। हाय एवरीवन, नमस्ते, कैसे आप लोग? गुड, परफेक्ट। सो टुडेस वीडियो इज अ मीशो हॉल वीडियो। आई वाज वेटिंग टू क्रिएट दिस वीडियो सिंस पास्ट लाइक फ्यू वीक्स, बट कुछ रिटर्न और एक्सचेंज में टाइम लग गया एंड कुछ मुझे भी टाइम नहीं मिला। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस वीडियो गॉट रियली डिलेड, बट बेटर लेट देन नेवर। सो हियर आई एम विद अ मीशो हॉल। सिंस इट इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम मीशो, आई वॉज रियली डाउटफुल एंड ड्यूबियस अबाउट लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ द डिलीवरी वर्क्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने क्या करा, मैंने उनके बहुत सारे कैटेगरीज से एक एक प्रोडक्ट उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल, होम केयर से एक प्रोडक्ट उठा लिया, एक उनके एसेसरीज से उठा लिया एंड फ्यू फ्रॉम क्लोथिंग आइटम्स। तो इससे क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली पता चल गया कि उनकी क्वालिटी कैसे है प्रोडक्ट की, एंड यू नो आगे अगर मुझे कभी परचेज करना हुआ उस बेसिस पे मैं उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट से परचेज कर सकती हूँ। लाइक दिस इज हाउ लाइक मेरा दिमाग इस तरह से वर्क करा कि मुझे ऐसे लेना चाहिए, एंड आई एम रियली रियली क्वाइट हैप्पी विद द काइंड ऑफ परचेज आई डिड। एंड फॉर्चुनेटली, ये मैंने सोचा नहीं था, बट फॉर्चुनेटली एवरीथिंग लाइक वट एवर प्रोडक्ट आई गॉट इज अंडर 500, विच इज अगेन लाइक ग्रेट, बिकॉज इफ यू गेटिंग गुड प्रोडक्ट्स एट लाइक अ रीजनेबल प्राइस, उससे कुछ बेटर नहीं हो सकता। सो या इन केस यू आर इंटरेस्टेड, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। मूविंग ऑन, आई हैव अ बेडशीट विद मी विच आई गॉट फ्रॉम मीशो, एंड दिस इज अ डबल बेड की बेडशीट। आई वुड लाइक यू टू सी द होल प्रिंट ऑफ इट, इट इज जस्ट सो नाइस। प्लस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, अगर मैं सच बोलूँ तो, कि ये प्रॉपरली प्योर 100% कॉटन आएगा एंड लाइक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्ट कॉटन आएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज द प्राइस दैट आई पेड, मुझे लगा था कि इतने प्राइस में शायद नहीं होगा, बट आई टू माई सरप्राइज इट कम्स लाइक रियली लाइक फार बेटर देन वुड आई हैव एक्सपेक्टेड। पहले तो इसका जो प्रिंट है इट्स ब्यूटिफुल, लाइक अगर आप देखोगे येलो और ग्रे का प्रिंट है, विच इज लाइक रियली मॉडर्न और काफी स्मार्ट लगता है जब आप अपने बेड पे यू नो इसे प्रॉपरली बिछाते हो तो। अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करूँ, ये क्वीन साइज बेड के लिए परफेक्ट है, मतलब मेरे बेड के लिए परफेक्ट आ जाता है। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज कि मैंने इसे धोकर भी देख लिया, बिकॉज आई वॉज रियली रियली डाउटफुल कि शायद बिकॉज इसका प्राइस कम है और होता नहीं हमारे दिमाग में आ जाता है तो शायद ये कॉटन है तो शायद श्रिंक हो जाएगा या इसका प्रिंट खराब हो जाएगा। तो मैंने ना इसे एक दिन यूज कर वॉशिंग मशीन में डाल दिया और मैंने देखा कि इसका ना साइज श्रिंक हुआ, मतलब अगेन टू माई सरप्राइज, और ना ही इसका कोई प्रिंट में कोई इश्यू आया या कुछ भी ना फेडिंग हुई। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई जस्ट पेड फॉर लाइक 390 कुछ मैंने इसके लिए पे करा है फॉर अ डबल बेडशीट है। आजकल 300-400 रुपए में मिल क्या रहा है, सो उस हिसाब से मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। बहुत कंफर्टिंग है, बहुत लेजर फील होता है इस पे नो जब आप इसे बिछाते हो। इट जस्ट सो इट्स लाइक वेरी सूदिंग बिकॉज प्रिंट भी बहुत सूदिंग है, बहुत ज्यादा वैसा यू नो मल्टी कलर्ड थोड़ा सा ये नहीं होता वैसा टाइप का काइंड ऑफ प्रिंट नहीं है, बहुत ही सूदिंग प्रिंट है। तो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी बेडशीट्स मंगाई हैं वो मिंत्रा से मंगाई हैं एंड दैट कॉस्ट अराउंड 1100 तक पड़ती है। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी होती है पर ये भी कहीं से भी कुछ भी कम नहीं है, सो आई रियली लाइक इट। एंड इसका जो पिलो कवर है, आई गॉट लाइक टू पिलो कवर्स, द साइज ऑफ पिलो कवर इज परफेक्ट, दैट जो भी पिलोज के हिसाब से प्रॉपरली साइज दे रखा है। एंड द प्रिंट इज ऑल्सो वेरी गुड, तो जब आप इसके साथ इसको रखते हो तो इट लुक्स रियली गुड, कॉन्ट्रास्ट कलर्स लगते हैं, इट लुक्स रियली नाइस। सो द ओवरऑल प्रिंट, द ओवरऑल यू नो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज बॉम्ब एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू काइंड ऑफ गेट दिस प्रोडक्ट। जो भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसका कोड में डाल दूंगी एंड द प्राइजेज वुड बी समवेयर ऑन द स्क्रीन, तो आप देखते रहना एक्जैक्टली क्या प्राइस पे मुझे पड़ा। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई गिव अ थम्स अप। मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोडक्ट विच इज अ होम केयर प्रोडक्ट अगेन एंड दिस इज अ सिलिकॉन ग्लव्स। मुझे नहीं पता मैंने उन्हें कहाँ रख दिया, बिकॉज वो बहुत पहले मेरे पास डिलीवर हो गया था और मैंने बहुत सेफली उसे कहीं रख दिया है और उतना सेफली रख दिया है मैंने कि वो मुझे मिल ही नहीं रहा है अभी टाइम पर। मैं उसे इतना ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो मैं उस वजह से बहुत डिले नहीं कर सकती थी वीडियो। मैं पिक्चर कहीं लगा दूंगी अगर मुझे मिल जाएगा तो, बट अगेन टू माय सरप्राइज ये बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे मैंने इसे पिक्चर में देखा था। द प्राइस इज गुड, द क्वालिटी इज गुड, और आप यूजुअली अगर आप यू नो डिश वॉशिंग करते हो, यूटेंसिल्स साफ करते हो या आपको थोड़ा सा फाई वफाई करते हो तो हाथ यूजुअली बहुत रफ हो जाते हैं, तो उस वजह से मेरे को था कि ग्लव्स पहन के नो अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा हाथ का ध्यान हो जाएगा,
थोड़ा टेक केयर हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट दैट ग्लव्स. और मुझे लगता है काफी यूजबल भी है, मतलब आप काफी तरह से इसे यूज कर सकते हो. अगर आप वॉशरूम साफ करना करते हो, खुद ही करते हो सारे काम, तो दिस कम्स रियली हैंडी. और आपके पास एक होना ही चाहिए. अमेजोन वगैरह में मैंने देखे थे तो रेट्स काफी ज्यादा थे, उस हिसाब से मुझे काफी अच्छा पड़ गया. एंड द क्वालिटी इज अगेन बॉम. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन आई वॉन्टेड टू गिव यू अ बेसिक, वेरी बेसिक टिप जो यूजली लोग सभी देखते हैं कि रिव्यूज जरूर चेक करो मीशो में. बिकॉज क्या होता है कि मीशो एज एन ऐप मुझे थोड़ी सी ना डाउटफुल लग जाती है कभी कभी, क्योंकि होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखता है वो बेसिकली वैसे कभी मुझे लगता है कि शायद आएगा नहीं उस तरह से. तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप रिव्यूज चेक कर लो, बिकॉज उसमें काफी आपको इमेजेस मिल जाएंगी. आप कस्टमर रेटिंग के हिसाब से लो. दिस इज द बेसिक टिप दैट आई वॉन्टेड टू गो गिव यू इन केस यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मीशो. डोंट बाय लाइक अ रैंडम प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लग रहा है, जरूर जरूर रिव्यूज चेक करो, बिकॉज पिक्चर्स कभी थोड़ी डिसेप्टिव हो सकती है. सो या दिस इज अ सिंपल टिप दैट आई वॉन्टेड टू गिव before I move on. Now moving on to the third product, which is my absolute favorite again, and this is jewelries. So I've got like three oxidized like jewelry from Meesho. I really like the jewelry price and everything. मुझे काफी अच्छा लगा और काफी अच्छी variety है उनके पास. बस आपको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा अच्छे प्रोडक्ट, बिकॉज वहां पे यू नो ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो थोड़े पुराने हो रखे हैं, आपने बहुत देखे होंगे, और अच्छे भी हैं उसमें. सो आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने काफी सर्च आउट करा तब मुझे ये झुमके दिखे. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो इज द झुमका दैट आई एम वेयरिंग. दिस इज अ वेरी लाइट वेटेड झुमका और बहुत सुंदर लग रहा है. अगर आप प्रॉपरली देखो तो यहाँ पर कलर रेड, लाइक रेड कलर और ब्लू कलर से यहाँ पर ऐसे कुछ लगा भी हुआ है स्टोन जैसा. एंड द होल लुक ऑफ इट इज रियली नाइस. ऐसे कोई चीप क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं. एंड द प्राइस इज रियली नाइस. ये अराउंड 200 के थे यार, 200 रुपए में अगर आपको इतने अच्छे झुमके मिल रहे हैं, नथिंग बेटर दैन दिस. दिस इज वट आई बिलीव. क्योंकि इंस्टाग्राम पे या कोई ऑफलाइन ऑनलाइन जाके देखोगे ना, आपको 200 रुपए में इतने अच्छे झुमके नहीं मिलेंगे. आई कैन बेट ऑन दैट. मतलब मेरे इधर साइड तो नहीं मिलते हैं. सो आई बिलीव फॉर द प्राइस, फॉर द होल लुक एंड यू नो पूरा फील के लिए थम्स अप अगैन. एंड आई रियली लाइक इट. और ये काफी लाइट वेटेड है. तो ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि इसका जो ये हुक है ना जो पीछे लगाते हैं, दैट्स अ लिटिल ऑन अ लाइटर साइड. बट ओवरऑल फील इज ग्रेट. प्राइज इज अगेन वेरी गुड. एंड फॉर द प्राइज द होल लुक ऑफ इट, द होल फील ऑफ इट इज लाइक बॉम. ऑन टू द फोर्थ प्रोडक्ट विच इज अगेन माई वेरी वेरी फेवरेट, और वो भी एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है. एंड दिस इज अ झुमका अगेन. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. मैं थोड़ा सा आगे दिखा रही हूँ आपको. बहुत ही ज्यादा सुंदर झुमके हैं, बहुत लाइट वेटेड हैं. अगर आप देखोगे इससे थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहे हैं. इसका जो नीचे का एरिया है वो ऐसे ही दिख रहा है, बट इसका जो ऊपर का है ये स्टाइल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. ईयर लोब जैसा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे भी एक ले लिया. एंड ये क्योंकि सिंपल सा है, इसमें कोई यू नो स्टोन्स नहीं है, कुछ नहीं, तो आप कोई भी कपड़ों में इन्हें ट्राई करके पहन सकते हो. कोई इसमें कलर वलर नहीं है. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड बेसिकली मुझे इसी कलर की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है. लाइक थोड़ी चंकी, थोड़ी सी यू नो एंशियंट टाइप वाला जो फील देती है. आई रियली लाइक इट. इसका भी प्राइस कुछ 200 रुपए ही था. जो भी लाइक राइट प्राइस होंगे वो कहीं ना कहीं स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे. एंड इसके साथ मैंने एक रील भी बनाई हुई थी, इन केस यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @GracieBliss30. वो चेक इट आउट और वहां फॉलो भी मुझे कर लेना. इस ज्वेलरी की बात करूं अगेन, मुझे बस थोड़ा सा यही लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना हल्का सा लाइट वेटेड है. तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कभी बहुत बार पहना या बहुत यू नो थोड़ा रफली पहन लिया तो टूट जाए. अदरवाइज द होल लुक ऑफ इट इज ग्रेट. एंड फॉर दिस प्राइस अगेन आई लव इट. एंड यू नो अगेन अ बॉम प्रोडक्ट एंड आई रियली लाइक इट. Moving on to the third and last jewelry item for this haul, and this is a jewelry set, like an oxidized jewelry set. मुझे ना इसकी packaging मुझे आज ही receive हुआ है, पर मुझे इसकी packaging इतनी गंदी लगी ना. ऐसे packet में कौन देता है, मतलब I really don't like the packaging. I'm expecting कि at least एक basic सा plastic box तो दे ही देते, but nevertheless let me just check the quality of it. मैंने इसे खोल के भी नहीं देखा. मैं पिक्चर लगा दूंगी. वैसा मैंने लिया था, मुझे अच्छा लगा था इन टर्म्स ऑफ लाइक द होल फील ऑफ इट. मुझे लगा कि काफी अच्छा लगेगा. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. बस थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड भी तरह से ना थोड़ा लुक खराब कर रहे थे.
अदरवाइज इट इज रियली नाइस, मुझे काफी अच्छा लगा, प्राइस भी काफी अच्छा था इसका और थोड़ा चंकी सा लग रहा है। अगर आप इसको ना थोड़ा सा और चंकी बनाना चाहते हो, और ज्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ये डाल सकते हो। एक आपने चोकर पहन लिया एंड देन यू कैन वेयर दिस अप, इट लुक्स लाइक रियली नाइस, बहुत ही ट्रेंडी मॉडर्न लुक देता है। सो आई रियली लाइक इट। मुझे इसकी इयररिंग्स उतने पसंद नहीं आए, मतलब ठीक है चल जाएंगे, बट मेरे पास ऐसे भतेड़े पड़े हैं तो मुझे पर्सनली इसकी इयररिंग्स अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज द होल लुक ऑफ इट इज गुड, बस पैकेजिंग पसंद नहीं आई। सो बिकॉज वो ना लुक को थोड़ा डिग्रेड कर देता है और आपकी क्वालिटी को थोड़ा डिग्रेड कर देता है, पैकेजिंग काफी बड़ा इफेक्ट डालता है। सो यार, बट फॉर द प्राइज एंड एवरीथिंग आई रियली लाइक इट एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो लाइक डिसेंट, नॉट लाइक दैट ग्रेट बट अभी भी अच्छी है। गॉन टू अनदर प्रोडक्ट विच इज अ स्लिंग बैग। मैंने वैसे मिंत्रा से और ऑफलाइन ऑन एंड ऑफ करके नो काफी बैग ले लिए थे रिसेंटली, बट क्योंकि काफी अच्छे प्राइस में मुझे यहाँ बैग अच्छे दिख रहे थे, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई और इस वजह से मैंने एक बैग मंगाया। And again, to my surprise, this comes like really nice. This is what it looks like. आपको नहीं लग रहा कोई luxury bag जैसा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये bag. इसका look जो पूरा है ना, ये काफी अच्छा है. इसका जो you know जो इसका shape है वो भी काफी intact है, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये बैग। और ये काफी ट्रेंडी ट्रेंडी बैग्स हैं। मेरे पास ऐसे और भी बैग्स हैं बट मेरे पास ब्लैक में पता नहीं कोई बैग नहीं था। मैंने सारी न्यूट्रल्स ले लिए, ग्रीन ले लिया, ब्लू ले लिया, बट ब्लैक ही नहीं था मेरे पास। सो आई थॉट कि एक बेसिक ब्लैक कलर का बैग भी खरीद लेते हैं। एंड अगर आप इसके अंदर देखोगे तो कुछ कुछ तो पेपर्स वगैरह पड़े, बट होल लाइक क्वालिटी वगैरह अंदर से भी थी। अगर आप ज़ारा से लोगे बैग्स, H&M भी जाते हो लेने, तो आपको 2,000, 2,500, 3,000 से नीचे बैग्स नहीं मिलते हैं। सो इस वजह से ये मैंगो वगैरह में भी ऐसी सेम आपको बैग्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप बाहर से देखोगे तो ऐसे ही दिखते हैं वो, मे बी उनकी क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी बेटर और हो जाती है, बट प्राइस काफी बेटर हो जाता है उस सेंस में। सो फॉर दिस प्राइस ये मुझे कुछ 300-400 रुपए का पड़ गया। 400 रुपए में अगर आपको ऐसा बैग मिल रहा है, नॉट बैड यार, इट्स रियली नाइस। हाँ, बस इसकी जो चेन है ना वो प्लास्टिक काइंड ऑफ है, सो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चेन जैसी होगी, बट ये कुछ प्लास्टिक लुक है। वैसे तो आपको दूर से ऐसा कुछ खराब नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कलर वगैरह फेड हो रहा हो, बट थोड़ा प्लास्टिक फील देता है ये, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा कम थोड़ा सा वैसा लगा कि हाँ ये थोड़ा बेटर हो सकता था, बट अदर देन दैट ग्रेट प्रोडक्ट। फॉर आई मूव ऑन, थोड़ी डिलीवरी वगैरह की भी बात कर लेते हैं। तो मुझे ना इनकी डिलीवरीज भी अगेन काफी अच्छी लगी। इनके प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफी टाइम लगाते हैं, बट ज्यादातर प्रोडक्ट इनके टाइम पे आ गए, मतलब 3 से 4 दिन। डेट तो ऐसे दिखा रहा था कि 15-20 दिन बाद के, बट आपको 5-6 दिन में डिलीवर हो रहे थे। तो मीशो अगेन फॉर द डिलीवरी इज ऑल्सो लाइक डूइंग ग्रेट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को 20-25 दिन छोड़ देते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर किसी को नीड होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। सो डिलीवरी एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मीशो में मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और इसकी रिटर्न पॉलिसीज भी बहुत अच्छी है, बस आपको एक मैंडेटरी फोटो डालनी होती है इन केस यू वांटेड टू रिटर्न और एक्सचेंज द प्रोडक्ट, वो आप डाल दो आराम से रिटर्न हो जाता है, कोई नाटक नहीं होता, कुछ नहीं होता, पैसे टाइम पे आ जाते हैं। सो इन दैट वे मीशो इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब। ऑन टू सम क्लोथिंग आइटम्स, आई हैव अ ड्रेस विच आई गॉट फ्रॉम मीशो, इसकी मैंने एक रील भी बनाई हुई थी, अगर आपने देखी नहीं हो तो देख लेना। दिस इज वॉट ये मैंने शायद यूट्यूब में डाली है, हाँ मैंने यूट्यूब में भी इसकी इस ड्रेस की रील डाली हुई है। दिस इज वॉट द ड्रेस लुक्स लाइक। ये मुझे ना मतलब पूरा तो नहीं, पर मैंने एक मैंगो की ड्रेस देखी थी बहुत पहले, मुझे उसका ना थोड़ा बहुत कॉपी लगा, बिकॉज इसका जो अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरा प्रॉपर नेक में ऐसे, फिर फ्रिल्स हैं, यहाँ पे फ्रिल्स हैं, मुझे वो थोड़ा सा शीक लुक दे रहा था। मतलब ओवरऑल मैंने इसको मैंगो में ऑलरेडी देखा हुआ था और उसका लाइक कंप्लीट कॉपी तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ मैच कर रहा था, तो मुझे लगा लेट्स गिव इट अ ट्राई यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्लोथिंग आइटम कैसे आते हैं। एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी गुड यार, 450 रुपए में अगर एक ड्रेस मिल रही है आपको, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड अमाउंट टू लाइक काइंड ऑफ, अगर आप देखना भी चाहते हो तो इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। एंड मुझे काफी अच्छी लगी ड्रेस, मतलब मुझे अच्छी लगी। इसकी लेंथ मुझे थोड़ा सा लंबा लगा, मतलब मुझे पर्सनली ड्रेसेस शॉर्ट ज्यादा पसंद है, लाइक शॉर्ट ड्रेसेस ज्यादा पसंद है, बट अच्छा लग रहा है। हर के पास हर अलग अलग काइंड ऑफ ड्रेसेस होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि वाली भी लेके देख लेते। प्रिंट भी काफी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा सा प्रिंट हो, प्रिंट बहुत सुंदर है। लाइक अगर आप स्प्रिंग सीजन में इसे पहनो, समर्स में पहनो, मैं तो काफी जगह से पहन के जा चुकी हूँ और काफी अच्छा लगता है। आप इसको काफी स्टाइल भी कर सकते हो, आप बेल्ट वगैरह पहन सकते हो, यू कैन वेयर अ जैकेट, और आप कुछ भी पहन सकते हो, अपने हिसाब से रीस्टाइल कर सकते हो इसको, तो ये भी एक अच्छी बात है इसमें। एंड आई रियली लाइक द होल क्वालिटी ऑफ इट। ये प्योर कॉटन नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी गर्म
थोड़ा सा ना समर्स में थोड़ा एरी चाहिए होता है, तो उतना एरी नहीं है, बट अदर देन दैट आई लाइक द होल फील ऑफ इट एंड मेरे पे अच्छी भी लग रही थी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. एंड बिकॉज ये मेरे काइंड ऑफ ड्रेस है तो मेरे पे सूट भी करी थी, एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी रीजनेबल. सो या प्राइस आप चेक कर लेना एंड आई रियली लाइक इट. इन केस यू वॉन्टेड टू चेक द होल फील एंड लुक ऑफ इट, आप मेरे रील चेक कर सकते हो यूट्यूब में, मैंने इसे ऑलरेडी पहनकर रील बनाई हुई है. या सो ग्रेट प्रोडक्ट. Another clothing item, and this is a peplum top. So I got this peplum top from Meesho. मेरे को बस एक बार try करना था. मुझे ना बहुत कम tops थे उसमें जो अच्छे लग रहे थे. मुझे पर्सनली उतने ज्यादा कोई टॉप पसंद आए नहीं उसमें, मतलब अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो, बट ये टॉप मुझे उस हिसाब से सही लग रहा था, तो आई थॉट कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. एंड अगेन द प्राइस इज ऑल्सो अंडर 500, तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट एंड सी हाउ द क्वालिटी एंड एवरीथिंग वर्क्स. सो ये मुझे ठीक लगा, मतलब अच्छा है, ये पहनने पे अच्छा लग रहा था. थोड़ा सा ये डीप है एंड आई डोंट वेयर लाइक डीप, थोड़ा डीप नेक में कम पहनती हूँ, बट अगर आप यहाँ पर ना एक हल्का सा स्टिच करा लो या सेफ्टी पिन यूज करो, वट एवर जो आपको ठीक लगता है, या टेप लगा लो तो वर्क कर जाता है. जो पहनते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है. यहाँ पर ऐसे स्लीव्स हैं जहाँ पे बटन्स हैं. सो ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा है. अगर आप इसको बूटकट जीन्स के साथ पहनते हो ये काफी अच्छी लगेगी. अगर आप इसे स्ट्रेट फिट पहनते हो तो काफी अच्छी, क्योंकि ऊपर से लूज है, सो यू नीड समथिंग जो थोड़ा सा नीचे से टाइट हो. इसको यू नो लूज जीन्स के साथ उतना अच्छा नहीं वर्क करेगा. ये काफी अच्छा लगा मुझे प्राइस के साथ जो क्वालिटी वगैरह है. इट्स नॉट अ कॉटन, ये पॉलिएस्टर मिक्स करके कुछ तो है. मुझे पूरा पॉलिएस्टर भी नहीं लग रहा, तो मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल द लुक इज रियली नाइस और पहनने पे अच्छा लग रहा था मुझ पे. तो या एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको टॉप लेने, आप एक बार ट्राई कर सकते हो. मुझे एक ही टॉप समझ आया, मैं सोची थी कि दो तीन ले लेती हूँ, बट मुझे एक से अलावा कोई और पसंद ही नहीं आया. सो बट दिस इज फॉर द प्राइस एंड एवरीथिंग इज गुड. सो या चेक इट आउट. वी गॉन टू अनदर प्रोडक्ट विच इज द सेकंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल एंड इट इज अ क्लोथिंग आइटम. सो आई गॉट लाइक अ काफ्तान एंड पैंट का सेट, क्वाड सेट फ्रॉम मीशो. आई वॉज प्लानिंग टू बाय इट फ्रॉम मिंत्रा, बट इसमें मुझे अच्छे प्राइस पे पड़ गया, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. दिस इज 100% कॉटन एंड आई रियली लाइक इट. मतलब द क्वालिटी एवरीथिंग इज रियली गुड. मुझे काफी अमेजिंग लगी इसकी क्वालिटी. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इसकी मैंने एक रील भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी आप अगेन मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. यहाँ पर जैसे काफ्तान में होता है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं, यू कैन जस्ट टाई इट आउट अकॉर्डिंग टू लाइक आपका जैसा वेस्ट है आप ऐसे टाई कर सकते हो. एंड द होल प्रिंट इज ग्रेट, प्योर कॉटन है, विच इज अनदर गुड थिंग फॉर समर्स. एंड इसका पैंट है, इट लुक्स लाइक दिस. कॉन्ट्रास्ट में है, लाइक वो ब्लू है, ये पिंक है, तो काफी अच्छा लगता है अगर आप पहनते हो. आप इसको ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पहन सकते हो. यू कैन वेयर इट लाइक झुमका, अगर आप नॉर्मली पहनना चाहते हो पहन सकते हो. नाइट ड्रेस की तरह भी आजकल लोग इसे पहनने लग गए हैं. वट एवर, लाइक अगर आपको लगता है बाहर पहनना चाहो बाहर पहन सकते हो. काफी वर्सेटाइल लाइक प्रोडक्ट है ये. इसकी पैंट्स आप अलग जगह यूज कर सकते हो, काफ्तान अलग जगह यूज कर सकते हो. स्टाइलिंग करके जरूर बताऊंगी मैं आपको उसका. तो काफी अच्छा लगा मुझे ये होल लाइक क्वाड सेट. एंड फॉर द प्राइस आई पेड लाइक अराउंड 500 समथिंग, 500 रुपए का कुछ मैंने भेज दिया होगा. ये थोड़ा सा ज्यादा शायद प्राइस में है, 500 से थोड़ा सा ज्यादा, लाइक बहुत ही थोड़ू सा ज्यादा. अदरवाइज जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 500 रुपए से नीचे ही हैं. यार अब दो का पैंट और कोट सेट 500 रुपए से नीचे कैसे, मतलब पॉसिबल नहीं है अच्छी क्वालिटी का मिलना. सो इस हिसाब से मुझे अच्छा लगा. कुछ ये ज्यादा नहीं होगा, 550 का होगा या 600 का, जो भी प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. क्वालिटी इज ग्रेट. मेरा साइज मीडियम है, मैंने जानबूझ के मीडियम लिया था बिकॉज मुझे थोड़ा सा लूज और एरी चाहिए था. शायद मीडियम है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. आई गेस माई साइज इज मीडियम. या माई साइज इज मीडियम. अगर आप चाहते हो आप स्मॉल ले सकते हो. मुझे वैसे स्मॉल भी काफी अच्छे से फिट हो रहा था, बट पर्सनली मुझे थोड़ा एरी चाहिए था तो मैंने मीडियम लिया. अगर आपको एकदम फिटेड चाहिए आप स्मॉल ले सकते हो, क्योंकि ये इसका जो पैंट है वो थोड़ा सा मेरे वेस्ट एरिया में हल्का सा लूज है, बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट लाइक कि बहुत लूज. सो या आई लाइक द होल प्रोडक्ट एंड 100% कॉटन है, अनदर ग्रेट प्रोडक्ट. और अगर आप लेना चाह रहे हो कोई ऐसा काफ्तान पैंट का यू नो सेट, एक बार मीशो जरूर ट्राई करना. मीशो में काफी अच्छे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलरली दिस काफ्तान पैंट का सेट. सो यार ट्राई इट आउट. इन केस वी वांट टू द लास्ट प्रोडक्ट जो मैं भूल गई थी आपको दिखाना, एंड दिस इज
अनऑर्गेनाइज्ड दैट आई गॉट. ये मैंने पहले अमेजोन के दो तीन मंगाए, फिर मैंने मीशो में चेक करा, मुझे और ऑर्गेनाइजर्स की नीड थी तो मैंने मीशो से चेक करा और मीशो में मुझे काफी बेटर प्राइस में अमेजोन से सेम काइंड ऑफ क्वालिटी के ऑर्गेनाइजर्स मिल गए. सो आई थॉट कि यार क्यों नहीं, जब पैसे बच रहे हैं तो बचा लेते हैं. सो इस वजह से मैंने ये लिया है. सो आई हैव गॉट लाइक टू का सेट. पहले मैंने अमेजोन से तीन का सेट लिया था, अभी मैंने दो का सेट लिया है. एंड अगेन द क्वालिटी इज ग्रेट. मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मेरे पास काफी पहले आ गया था, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. कोई क्वालिटी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसके नीचे ना ऐसे करके आपको एक ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, एक सपोर्ट काइंड ऑफ मिलता है जिसको आप नीचे ऐसे लगा दोगे तो ये इसका जो शेप है ना वो इंटैक्ट रहता है, विच इज अ गुड थिंग. आप कुछ भी इसमें क्लोथिंग काफी है और काफी कपड़े आ जाते हैं. मतलब मैंने इसमें अराउंड 10 पेयर ऑफ अपने विंटर वेयर्स और यू नो आपके जो भी कपड़े यूज नहीं होते वो इसमें रखे हुए एंड काफी अच्छे से इसमें फिट हो गया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी इसमें स्पेस होगी एंड प्राइस ऑल्सो इज ग्रेट. अगर मैंने दो का अराउंड कितने का लिया था, 300 अप्रोक्सीमेट का दो का सेट लिया है तो काफी अच्छा है यार. मतलब मैंने अमेजोन में लिया था 500 समथिंग के तीन के सेट की, 600 के मुझे याद नहीं है, और ये मेरे को 200 समथिंग का पड़ा, तो अराउंड 100 रुपए का मुझे डिफरेंस पड़ गया यार. तो मैंने सोचा चलो एक बार मीशो से ट्राई कर लेते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे तो सेम ही लगी दोनों की. तो यार अगेन दिस इज अनदर गुड प्रोडक्ट और एक अच्छा ऑर्गेनाइजर. इन केस यू लुकिंग फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजर्स और अगर आपको थोड़ी अपनी वार्डरोब यू नो ऑर्गेनाइज करके रखनी है, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स कम्स रियली हैंडी. और इसमें अगर आप एक बार अपने कपड़े प्रॉपरली सेट करके रख देते हो ना तो आपको वापस से यू नो खोलने बंद करने इधर उधर जाने के कपड़ों के हिलने डुलने का प्रॉब्लम नहीं होता है. सो ये सारे मेरे वार्डरोब्स में सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं. सो यार इन केस यू लुकिंग फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजर्स, अमेजोन के साथ साथ एक बार मीशो में भी चेक कर लेना, यू विल गेट अ गुड प्रोडक्ट विद अ बेटर प्राइस. ओके सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू फाउंड द वीडियो रियली हेल्पफुल एंड यू लाइक इट. इन केस यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफाइड हॉल बनाऊ मैं या मीशो की कोई कैटेगरी का हॉल बनाऊ, डू कॉमेंट डाउन बिलो. इट वुड बी लाइक रियली गुड टू हेयर फ्रॉम यू. अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए, really would be grateful if I can help you out. मेरे को Instagram पे भी follow कर लेना. My Instagram handle is @GracieBliss30. अभी आपके screen पे show रहा होगा. Do follow me on that as well. Till then, take care of yourself, stay healthy, stay fit, stay stylish, and take care of yourself. And I'll see you very, very soon. Bye bye. Take care.